हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है हरे मटर की घुगनी। तो हरे मटर की घुगनी बनाने के लिए आप देख सकते हैं, ये हमारा हरा मटर है जो बिल्कुल छिला हुआ है। इसको हम पहले फ्राई कर लेंगे, वही देखते हैं हम। तो घुगनी बनाने के लिए हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, इसमें हम मस्टर्ड ऑयल मिक्स करेंगे। तो तेल जो है वो गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम जीरा का फोरन जीरा डालेंगे। तो जीरा जो है वो हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम मटर मिक्स करेंगे। अब इसके मसाले को फ्राई करेंगे। अब इसमें हल्दी डालेंगे। नमक मिक्स कर देंगे इसमें स्वाद अनुसार। अब एक लीजिए इसमें हम अभी 2 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसको हम 3-4 मिनट इसी तरीके से भून देंगे। आँच जो है वो हमारा तेज ही रहेगा। तो हरे मटर की घुगनी बनाने के लिए उसमें मसाले के रूप में ये हरा मसाला उसमें हम मिक्स करेंगे। ये धनिया पत्ता और हरा लहसुन है और ये मिर्चा है। इसको हम पीस करके तैयार कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे। मटर को हमने 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाला जो है ये हमारा हरी लहसुन है, धनिया पत्ता है और हरी मिर्च है। इसको हमने इस तरीके से पीस के तैयार कर लिया है। अब इसको हम डालेंगे इसमें। तो हरा मसाला डाल करके इस तरीके से हमने इसको भून लिया। इसको हरे मसाला डाल करके कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको इस तरीके से हम खुला ही भूजेंगे अच्छे से। और जब ये पक गया तो अब हम इसको उतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका लुक, ये हमारा हरे मटर की घुगनी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसको बनाने के लिए हम इसमें हरे मसाला का प्रयोग किए हैं। इसमें हम हरा धनिया, हरा लहसुन और हरी मिर्च को पीस करके डाला हुआ है। और अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें और बनाएं और इसे खाएं। और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें।